व्यापार में नफा और घाटा स्वाभाविक है, लेकिन आपकी नीयत सही हो तो आपकी साख बनी रहेगी और वक्त पर लोग आपकी सहायता भी करेंगे। उक्त बातें सम्मेलन के पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष सीताराम शर्मा ने अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा शनिवार को आयोजित एक संगोष्ठी के दौरान कही। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में सीताराम शर्मा के साथ उद्योगपति एवं समाज सेवी प्रहलाद राय अग्रवाल, सॉलिसिटर एनजी खेतान उपस्थित रहे और सभी ने संगोष्ठी के विषय पर अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। मारवाड़ी सम्मेलन उन सब विषयों पर बातचीत करता है जो हमारी खूबियां रही हैं और साथ साथ उन पर भी बात करता है जो हमारी खामियां हैं। हमारे समाज में कहीं कोई कमी आती है, उस पर हम आपस में ही बैठ कर बात करते हैं जिससे हम अपने आप को सुधार सकें, और मैं समझता हूँ ये सम्मेलन की सबसे बड़ी ताकत है। प्रायः इस तरह की संस्थाएँ जो होती है, सामाजिक संस्थाएँ जो है, और वो सब खाली अपने बारे में जो अच्छी अच्छी बातें वो करती है, हम लेकिन अपनी कमियों के बारे में बात करते हैं। तो एक जो कमी हमने महसूस की कि साख में हमारी कमी आ रही है, और वो साख एक बहुत बड़ा शब्द है, उसके अंदर बहुत सी बातें आती हैं जिसमें सिर्फ यही नहीं आता है कि लोग बाजार का रुपया नहीं दे रहे, और भी चीज़ें हैं, व्यापार में ईमानदारी भी जो उसका एक पक्ष है, तो उसके बारे में हम आज बात करना चाहते थे कि जो साख जो कमी आ रही है उसको हम कैसे उसको सुधारें, क्योंकि मारवाड़ी समाज की जो खूबी है वो तभी बची रहेगी जब हम अपनी खामियों को नहीं आने देंगे। इसी संदर्भ में हम लोग मारवाड़ी समाज की जो पहचान है उसमें एक मारवाड़ी की साख बहुत बड़ा महत्व रखता है, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे थे कि साख को हम लोग कैसे और सुदृढ़ करें। समाज में कुछ लोगों को कोई असुविधा हो तो उसमें हम लोग उसमें साथ उनके खड़े रहें, इसी उद्देश्य के लिए आज ये गोष्ठी की गई। मेरे समझ में मारवाड़ी सम्मेलन का पहली दफ़ा हो रहा है और खेतान जी भी मेरे समझ पहली दफ़ा आए हैं, और ये तो बुद्धिजीवी आदमी हैं, और हमारे ओर्टिकल गार्डन इतना मेरा परिचय नहीं है लेकिन ओर्टिकल गार्डन भी बहुत एक्टिव है। समाज का विषय है, हमारे मारवाड़ी समाज का विषय है, बट ये केवल मारवाड़ी समाज का नहीं, आज ये देश का विषय बन गया है। आज जो देश में डिफॉल्ट्स हो रहे हैं, और डिफॉल्ट्स केवल दो तरह के डिफॉल्ट्स होते हैं, एक होते हैं पर्सनल डिफॉल्ट्स और एक होते हैं पब्लिक डिफॉल्ट। तो अब पर्सनल डिफॉल्ट्स भी हो रहा है, लोगों के पर्सनल डिफॉल्ट्स हो रहे हैं, और एक पब्लिक डिफॉल्ट्स हो रहे हैं ऑन रिलेशन टू पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, जिसका स्टेट उदाहरण है IL&FS से। डिफॉल्ट एक राष्ट्रीय समस्या है, परंतु इस समस्या से मारवाड़ी समाज का बहुत गंभीर जुड़ाव है। मारवाड़ी समाज हमेशा से सादा जीवन, उच्च विचार की सदियों से परंपरा रही है, आज का समाज उस विचार से दूर होता जा रहा है। आज का कार्यक्रम वैसे सामूहिक है, ये समाज की प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम यहाँ तक कैसे पहुँची उसके कारणों को अपने को देखना पड़ेगा। हर एक आदमी ऐसा काम नहीं करता, उसकी भी बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं, और वो उन मजबूरियों तक कैसे पहुँचा और उसका अपने पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस करें जिससे और आदमी वहाँ नहीं पहुँचे।